नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरगांव शहर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। गहलोत कैबिनेट में रविवार को बड़ा फेरबदल होगा। 11 कैबिनेट और 4 नए राज्य मंत्री शपथ लेंगे। 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले गहलोत कैबिनेट के कई मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, जिनमें से रघु शर्मा, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। नए मंत्रियों के नाम तय हो गए हैं। विश्वेंद्र सिंह के अलावा पायलट खेमे से 4 मंत्री बने हैं। 3 राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। गहलोत कैबिनेट में अब 29 मंत्री हो गए हैं। अब सीएम सहित 30 का कोटा पूरा हो गया है। एक भी जगह खाली नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मोदी सरकार के कृषि कानून वापस लिए जाने पर लगातार नाराजगी जाहिर कर रही है। हाल ही में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहा था। कंगना के इस बयान के बाद यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी अमरीश रंजन और लीगल सेल के कोऑर्डिनेटर अंबुज दीक्षित ने उनके खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि कानून पर कहा कि समय अनुकूल नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। अगर आगे जरूरत पड़ी तो किसान बिल फिर से लाया जाएगा। भदौई में पहुंचे मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों को उनके लिए बने तीनों कानूनों के बारे में समझा नहीं पाए। किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा, इसलिए सरकार ने बड़ी ही शालीनता से कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया है। सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा भाई बताया है, लेकिन सिद्धू के इस बयान का देशभर में विरोध शुरू हो गया है। केंद्र कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि सिद्धू की ऐसी हरकत को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने इससे पहले भी बाजवा को गले लगाया था, जबकि सीमा पर पाकिस्तान हमारे सैनिकों पर गोली बरसाता है। बघेल ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू पहले भी इस तरीके की हरकत कर चुके हैं, लेकिन देश की जनता इस बार उनके इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। भवानी मंडी के करावन में एकजुट गर्ल्स संस्था द्वारा स्कूल में बेस लर्निंग का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें बच्चों को खेल खेल में और अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। कल से शुरू किए गए इस कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के प्रति बच्चों में काफी प्रसन्नता देखी गई, तो वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने कॉफी एक्टिविटी में भी भाग लिया। इसमें समस्त विद्यालय स्टाफ, एकजुट गर्ल्स के स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर शमीउल्ला और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर राकेश पाटीदार, फील्ड से प्रकाश चंद और स्वयंसेवक टीम बालिका राहुल प्रजापत मौजूद रहे। आगरा में 552वें पर्व प्रकाश गुरु नानक जयंती के मौके पर मंत्री धर्मवीर प्रजापत आगरा पहुंचे। गुरुद्वारे पहुंचे जहां पर ताल की लाइटों से सजाया गया था। काफी बेहद खूबसूरत इमारत को देखने के लिए लोग उमड़े और वहां सेल्फी खींचते भी नजर आए। धर्मवीर प्रजापत ने गुरुद्वारे में माथा टेका और समस्त देशवासियों को इस पावन पर्व पर मंगल कामनाएं भी दी। वहीं राजनीतिक चर्चा पर मंत्री धर्मवीर प्रजापत ने किसान भाइयों को तीनों कृषि बिल वापस लिए जाने पर भी बधाई दी। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कहा। पावन पर्व गुरु नानक जयंती के मौके पर आगरा गुरुद्वारे गुरु के ताल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माथा टेका। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक सचेंद्र पटेल के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में क्षेत्र अधिकारी
सकमुरी राज फूलचंद कनौजिया के कुशल नेतृत्व के अंदर जनपद में अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण के लिए निरंतर। इसी क्रम में जनपद कुशीनगर के थाना तयासु जान में दिनांक 15 अक्टूबर को पीड़िता के बचत खाते से 3,25,000 रुपए गायब होने के संबंध के अंदर मुकदमा संख्या 342/21 धारा 67 डी एक्ट के तहत थाना हिरोली बाजार में दिनांक 18 नवंबर 2021 को पीड़ित के बचत खाते से कई बार कुल 98,000 रुपए फर्जी तरीके से निकाले जाने के संबंध में मुकदमा संख्या 201/21 धारा 67 डी आई टी एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल द्वारा जनपद में पीड़ितों के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर पैसा निकालने वाले गैंग का पर्दाफाश करने हेतु संयुक्त टीम का गठन कर संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत थाना तरियाजुजान एवं साइबर सेल कुशीनगर के संयुक्त टीम ने अंगूठे के फिंगरप्रिंट का नकली क्लोन तैयार कर थार पे ऐप के से धोखाधड़ी कर पैसे निकालने वाले 3 अंतर जनपदीय शातिर जालसाजों को नरसिंहपुर जिले की करौली पुलिस को वो बहुत बड़ी सफलता मिली है। करौली पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गांजा को पकड़ा है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने करेली के अंदर प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी है कि 2 अलग अलग जगह से 6 लोगों से एक इनोवा व एक अर्टिका कार में से 125 किलो अवैध गांजा पकड़ा गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 37,00,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। इतनी बड़ी गांजे की खेप पकड़ने को लेकर पुलिस इस जांच में जुट गई है। इस कारोबार में अंतर जनपदीय गिरोह तो नहीं है, क्योंकि पकड़े गए आरोपियों में एक उड़ीसा का रहने वाला है तो एक गाड़ी छत्तीसगढ़ पासिंग की है, तो वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय में पेश करते हुए रिमांड पर लेगी, जिससे इस पूरे मामले में बारीकी से सच सामने आ सके। वहीं करेली थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा, पुनित कटारे, राजेश बागरी सहित पूरी टीम को 10,000 रुपए देने की घोषणा आईजी के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक ने की है। करतारपुर साहिब के दर्शन पर पाकिस्तान से लौटे पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंधु के पाक प्रेम से पंजाब में सियासी बवाल मच गया है। अकाली दल और भाजपा ने सिंधु के बहाने कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अकाली नेता मनजिंदर सिरसा ने यहां तक कह दिया कि सिंधु देश से गद्दारी कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेता ग्रेवाल ने कहा कि सिंधु के पंजाब और पाकिस्तान में दोनों जगह सरकार है। वहीं कांग्रेस अब हाल ही में हुए भारत पाक क्रिकेट मैच के बहाने सिंधु का बचाव करने में जुट गई है। यह पूरा विवाद शनिवार को तब खड़ा हुआ जब सिंधु शनिवार को करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान गए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना।